दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर की सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर ऐसी चीजें आपके सामने आई होंगी कि कोई फेक कॉल सेंटर चल रहा था। फेक कॉल सेंटर का मतलब क्या है, क्या वो फेक कॉल सेंटर ही होते हैं? जरूरी नहीं, वहां हो सकता है जेन्युइन तरीके से काम किया जा रहा था, पर प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लगा कि वहां कुछ गलत हो रहा था, तो वहीं पर पुलिस रेड करती है। रेड करने के बाद सब चीज सीज कर ली जाती है और मुकदमा बन जाता है। वहां उस कॉल सेंटर में जो भी कोई उसका ऑनर था उस पर केस मुकदमा दर्ज होता है, साथ में ही जो भी टीएल बनाए गए थे, एम्प्लॉय बनाए गए, सबके ऊपर नाम दर्ज हो जाता है, बट अक्सर पुलिस जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको छोड़ भी देती है। ऐसे ही एक केस पर आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब आपके साथ भी अगर कोई ऐसा मुकदमा हुआ है, ऐसा केस हुआ है, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों कई सारे मुकदमे अलग अलग तरह से आते हैं, पर जब भी कोई मुकदमा आता है फेक कॉल सेंटर का, फेक कॉल सेंटर का या कोई भी इस तरह की कोई कृत्य चल रहा था, किस तरह की कोई एक्टिविटी चल रही थी जिसमें कि संदेह है, मतलब कि पुलिस ने रेड की और उसे बहुत कुछ वहां से एविडेंस ऐसे मिले जो कि गलत है। अभी मुकदमे होते किस तरह से, पहले आप इसको समझिए। पुलिस अक्सर यह बोलती है कि हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली या मुखबिर के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है। पुलिस रेड करती है, रेड करते सब लोगों को बोलती है कि अपने फोन बंद कर दे, सब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और वहीं से जो लिस्ट पड़ी होती है उसी लिस्ट को उठाकर उस लिस्ट पर कॉल करना शुरू कर देती है कि यहां पर एक फेक कॉल सेंटर चल रहा था और आपके साथ में कोई ठगी तो नहीं हुई। अब सामने वाला जो क्लाइंट है, जो आप लोगों का, जिसके लिए हो सकता है आप कुछ चीज सेल कर रहे हो, कुछ सर्विस दे रहे हो सकता है, कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसके अंदर के सामने वाला आपसे डिससेटिस्फाई हो, तो वो सीधा क्या बोलेगा कि हां मेरे साथ भी ठगी हुई है, ऐसा बोल देते हैं, और यहीं से पुलिस अपने एविडेंसेस जुटाना शुरू कर देती है और आपके अगेंस्ट गवाह खड़े कर देती है। ऐसे केसेस में सेक्शंस क्या लगते हैं? सेक्शंस लगते हैं 420, 467, 468, 471, 120B। 467 का मैंने इसलिए जिक्र किया कि पुलिस वहां पर जो अकाउंट्स देखती है, अकाउंट्स को यह घोषित कर देती है कि वो फेक अकाउंट्स हैं, फर्जी पते पर अकाउंट खुलवाए गए हैं, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी फेक बनाया गया था, इसीलिए 467 में पुलिस यहां आपको बुक कर देती है। अब दोस्तों इन मामलों से निकलोगे कैसे, या फिर आप ये समझिए इन मामलों में कार्रवाई होती कैसे है। पुलिस ने चार्जशीट दायर करने के लिए 90 डेज का टाइम लिया होता है, 90 डेज का टाइम पुलिस के पास होता है, 467 लगा है इसीलिए। अगर सिर्फ 420 होता तो 60 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट को फाइल करना होता है। अगर आपकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिफॉल्ट बेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, डिफॉल्ट बेल आपको कोर्ट से मिल जाएगी। क्या होता है डिफॉल्ट बेल, किस तरह से ली जाती है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे डिफॉल्ट बेल कैसे मिलती है। और आपके साथ भी अगर ऐसा ही कोई केस हुआ है कॉल सेंटर का, या फिर कोई इसी तरह घटना आपके साथ हुई है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या हमें व्हाट्सएप करें पर्सनली, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अपने उस एक्सपीरियंस को, जो भी आपके साथ घटना घटी उसको शेयर जरूर करें, हो सकता है कि आपकी उस इंफॉर्मेशन से दूसरे लोगों को मदद मिल सके। अब रेड करने के बाद में जितना भी इंप्लॉयज होते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है केसेस में कि इंप्लॉयज को पुलिस छोड़ देती है। टीएल जो बने होते हैं, टीम लीडर जो बने होते हैं, उनको कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको भी पुलिस जेल भेज देती है, बट उनकी बेल आसानी से हो जाती है, और कई बार पुलिस उनको थाने से भी वहां से फ्री कर देती है, मतलब जो मेन ऑनर होता है उसको जेल जरूर जाना होता है। अब बाद में जब चार्जशीट लगती है तो चार्जशीट में पुलिस के पास कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं होते हैं जिसके अंदर ये प्रूव कर सके कि हाँ यहां पर कोई फेक कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, बट जो चार्जशीट लगी है उस पर अब आपका ट्रायल चलेगा जरूर, मतलब कि जब ट्रायल चलना शुरू होता है
चार्जेस फ्रेम होने का नंबर होता है, तो वहां पर जब चार्जेस फ्रेम होते हैं आपके वकील साहब अगर स्ट्रांगली बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर पाए तो मेरा मानना है आप डिस्चार्ज भी शायद हो सकते हो वहां पर, अगर सब कुछ जेन्युइन था तो, वरना तो ट्रायल चलेगा और आगे तक कहानी चलेगी। अब इसमें बेल कैसे होगी, बेल को आप ये समझिए, देखिए दो तरह से अपराध होते हैं, एक जहां पर स्टेट वर्सेस है, दूसरा जहां कंप्लेनेंट भी खड़ा है, मतलब कंप्लेनेंट खड़ा हुआ है 10-12-15-20 कंप्लेनेंट खड़े हुए हैं और जब जब आपकी बेल लगती है तब तब वो वहां पहुंच जाते हैं या फिर जब कोर्ट की डेट लगती है वहां पहुंच जाते हैं, तो ऐसे मुकदमों में ऐसे मामलों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बेल आपकी लेट होगी। पर अगर जहां पर कि कंप्लेनेंट आपके सामने नहीं खड़े हैं पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस आती है, केस को प्रेजेंट करती है, डेट्स पर भी सिर्फ पुलिस आती है और आईओ साहब ने रिप्लाई बनाकर देते हैं, तो ऐसे मामलों में आपकी बेल हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं है आपकी बेल को अपोज करने वाला, पर हां आईओ साहब और पीपी साहब जरूर है जो आपकी बेल को अपोज करेंगे, वो नहीं चाहते आपकी बेल हो। ऐसे मुकदमे में ज्यादातर देखा गया है कि हाई कोर्ट से बेल होती है, सेशन कोर्ट से बेल हो जाती है अगर ज्यादा कुछ खास एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं है। तो फर्जी कॉल सेंटर के मामले में या इस तरह के कोई भी केसेस के मामले में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।